नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज हम मौजूद हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद में और साहिबाबाद के एल एलिगेंट होटल में, जहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम रखा गया है जिसका नाम है फेस भारत रत्न 2023 अवार्ड। इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि किसी भेदभाव को नहीं मानता, किसी जाति को नहीं मानता, किसी धर्म को नहीं मानता। इसके साथ ही यहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियत मौजूद हैं जो कि मीडिया वर्ल्ड से हैं, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से हैं, सोशल वर्ल्ड से भी हैं। तो चलिए आज ऐसी स्पर्धाओं को, प्रतिस्पर्धाओं से मुलाकात आपकी करवाएंगे और आगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आकर। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने टैलेंट के बलबूते यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इस खूबसूरत पल के साक्षात्कार बन रहे हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं। फेस भारत रत्न 2023 अवार्ड, जिसका थर्ड एनुअल फंक्शन आज यहाँ मनाया जा रहा है। हम मौजूद हैं एल एलिगेंट होटल में जो कि साहिबाबाद में है। मेरा नाम पंकज के सिंह है और मैं एक ऑथर, राइटर, कॉलमिस्ट हूँ, प्रशासन से जुड़ा हुआ हूँ। और इस प्रोग्राम का जो फैब्रिक है वो मुझे बहुत पसंद आया कि यहाँ पर मीडिया, एंटरटेनमेंट, लिटरेचर और समाज के हर तबके के लोग जिस तरीके से इकट्ठा हुआ और नई प्रतिभाओं को जिस तरह से हम मौका मिला, ये बहुत अच्छा प्रयास है। और क्योंकि हमारी नई जनरेशन को, खासकर जो अपने अपने फील्ड में टैलेंटेड लोग हैं, उनके टैलेंट को सामने भी लाना चाहिए और ताकि दूसरे जो लोग हैं उनको मोटिवेशन भी मिले कि हम लोग समाज के लिए कुछ बेहतर काम करें। तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। फेस ग्रुप की जितनी भी तारीफ की जाए कम है और हम लोग चाहेंगे कि इस तरीके के कारवा को और आगे बढ़ने में मदद। नहीं, प्रोग्राम तो सुंदर है, आप भी कुछ कम सुंदर नहीं है। बहुत अच्छा यहाँ माहौल देखने को मिल रहा है। सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को यहाँ इन्वाइट किया है और सभी पूरी मोहब्बत के साथ, एकता के साथ यह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं सभी का पहले तो आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके अलावा जैसे कि अवार्ड फंक्शन है फेस भारत रत्न अवार्ड, तो इसमें हमने अलग अलग फील्ड के लोगों को, 6-7 फील्डों के लोगों को, जो समाज के क्षेत्र में जो अपनी जिम्मेदारियों से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, जो अपनी ड्यूटी से ऊपर उठ के समाज के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको हमने खास तौर से यहाँ पर सम्मानित किया है। इसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, समाज सेवा है और इसी तरह की 7 फील्ड है जिसमें हम लोगों को यहाँ पर आज ऑनर। 3 साल इस प्रोग्राम के हो गए। इस प्रोग्राम का बेसिकली मोटिव क्या है? मोटिव यही है कि जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, एक समाज के बेहतर निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, उनको, उनकी प्रतिभा को यहाँ पर उजागर करना ताकि वो देश के लिए और ज़्यादा अच्छा काम कर जाए और एक नव भारत निर्माण हो, एक अच्छे नए भारत का निर्माण हो सके। ये इसका हमारा मेन मोटिव है। फेस भारत रत्न अवार्ड 2023। हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद है जाकिर खान साहब। किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे उनका परिचय जान लेते हैं उनकी जुबानी। मैं दिल्ली माइनोरिटी कमीशन का चेयरमैन हूँ और यहाँ आज फेस ग्रुप के माध्यम से फेस भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है और ऐसे लोगों को अवार्ड दिया है कि जो अपने समाज के लिए समर्पित हैं, हिंदुस्तान की एकता के लिए समर्पित हैं, उन गरीब और मजदूरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं जिनको बहुत ज़रूरत होती है उनको आगे बढ़ने के लिए। और एक सद्भावना का मंच है जहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को यहाँ एकत्रित किया गया और जो उन्होंने मजहब से ऊपर उठकर किसी धर्म को ना मानते हुए भी दूसरे धर्म के लोगों की मदद की है, चाहे वो कोरोना काल का हो, चाहे उसमें ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे समाज के लिए महिलाओं की प्रगति के लिए लड़ाई हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई के लिए लड़ाई लड़ने का काम हो। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता और व्यावसायिक लोग, कला के क्षेत्र के लोग यहाँ सभी एकत्रित हुए। मैं सभी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये कहूँगा कि ये जो अवार्ड होता है ये आपकी अपनी पहचान होती है कि आप समाज में कितने लिए कितना काम करते हैं। वो पहचान अवार्ड के रूप में आपको मिलती है, आप उसको सजो के रखते हैं और इस अवार्ड से उन लोगों को भी प्रेरणा मिलती है जो समाज के लिए समर्पित हैं और ऐसे व्यक्तियों को समाज से ऊपर उठ कर हम लोगों को काम करना चाहिए ताकि जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उनकी हक की लड़ाई लड़े। सर, इतना प्यार, इतना खूबसूरत प्रोग्राम, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ? देखिए, पहली बात तो जो करवाता है इस प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत है। डॉक्टर मुश्ताक़ हमेशा बड़ी शिद्दत से, बड़ी खूबसूरती से इस प्रोग्राम को करते हैं और इसलिए आप ये देखें कि पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आते हैं। और दूसरी बात यह कि जो अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड, अपने आप में एक बड़ा नाम है। हर कोई चाहेगा कि उसको मिले, उसकी झोली में आए ताकि उसके ड्राइंग रूम की वो शोभा बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से किसी सिपाही को तमगे मिलते हैं उसी तरीके से ये अवार्ड है जो उसको ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, आगे बढ़ने का हौसला देते हैं और एक नई मंजिल की तरफ लेके जाते हैं। तो मैं मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर मुश्ताक़ अंसारी स्टाफ को, डॉक्टर बिलाल अंसारी को, उनकी पूरी टीम को, और यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिले वो सारे के सारे इस मुबारकबाद के हकदार हैं। और मैं उम्मीद जताता हूँ कि आगे आने वाले सालों में फेस मीडिया ग्रुप ऐसे ही प्रोग्राम करता रहे, लोगों को सम्मानित करता रहे, ताकि समाज में ऐसे लोग आगे आते रहें और अपने योगदान से समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभाते रहें। मेरा नाम है सैयद काशिफ निजामी, चीफ इंचार्ज दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया से हूँ मैं, और मैं भारत रत्न अवार्ड में बुलाया गया है। मुझे डॉक्टर मुश्ताक़ अहमद साहब ने बुलाया, फेस ग्रुप के चेयरमैन है, और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया उन्होंने। यहाँ पे सबको जोड़ने का प्रोग्राम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर किस्म के लोग हैं यहाँ पे, भाईचारा प्यार मोहब्बत एकता सब नजर आ रही है। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जैसे ये लोग करते हैं, फेस ग्रुप वाले हमेशा प्रोग्राम करते हैं, ऐसा बहुत जरूरत है, भाईचारे की और प्यार मोहब्बत की जरूरत है। सर हमने देखा है कि 3 साल से युवाओं को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है, युवाओं को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। क्या ऐसे प्रोग्राम आगे भी चलते रहने चाहिए? कैसा रिश्ता रहा है इस प्रोग्राम से? हमेशा इस प्रोग्राम में बहुत अच्छा नौजवान बच्चों के लिए रिश्ता रहता है, बिल्कुल जुड़े रहते हैं, और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, बच्चों को जोड़ना चाहिए और प्यार मोहब्बत इससे मिलती है और यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं फेस ग्रुप से। और जब अवार्ड मिलता है तो बहुत बच्चे हमारे के बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ऐसे बच्चों को अवार्ड देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। फेस भारत रत्न 2023 अवार्ड, खुशनुमा माहौल, बहुत ही खुशियाँ, बहुत ही रंग बिरंगे रंग नजर आ रहे हैं और जो सांस्कृतिक माहौल है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है, चलिए उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम गुरचरण सिंह राजू है, मैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी का कृष्णनगर जिला कांग्रेस कमेटी से। तो मैम आज भारत रत्न अवार्ड यहाँ पर जो दिया जा रहा है उसके लिए मैं अंसारी साहब को, उनकी टीम को, फेस न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो हर बार कोई ना कोई अवार्ड फंक्शन या कोई ना प्रोग्राम करते रहते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करने काम करते रहते हैं। जो लोग बेचारे अच्छी फील्ड में काम करते हैं उनको अवार्ड देकर सम्मानित करने काम करते हैं, एहसास दिलाते हैं कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, उससे आदमी प्रोत्साहित होता है। प्रोत्साहित होने के बाद फिर वो आगे और काम करने की कोशिश करता है, मेहनत करने की कोशिश करता है, लोगों की सेवा करने का मौका कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों की जरूरत है जो आज लोगों को प्रोत्साहित करें और लोगों को लाके यहाँ पर काम कराने का काम करें। मैं उनको बहुत बहुत दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रही है, कैसा महसूस कर रही है यहाँ आकर? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, फेस ग्रुप से बहुत लंबे समय के साथ जुड़ी हुई हूँ और आप लोगों के काम देखती रहती हूँ, कैसे आप कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं और नए टैलेंट्स को आगे लेकर आते हैं। तो बहुत बड़ी शुभकामनाएं कि आप इस मंच के माध्यम से आने वाली युवा पीढ़ी को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपनी कला को आगे लेकर आए। आप 3 सालों से कंटिन्यू आ रही हैं क्योंकि थर्ड एनुअल अवार्ड है। जी बिल्कुल, मैं जैसे कि इस ग्रुप से बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपके हर इवेंट में आऊँ और यहाँ पे नए नए टैलेंट्स को देखूँ। अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर नीति शर्मा और ज्योतिष जगत में मैं काम करती हूँ, ज्योतिष में, वास्तु में, और साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। राष्ट्र के मुद्दों को अपने विचारों से, अपनी अभिव्यक्ति से हर चैनल पे आगे लाने का काम करती हूँ और सनातन संस्कृति को एक करने के लिए मेरा पूर्ण रूप से समर्पण भाव है देश के लिए। तो फेस भारत रत्न 2023 अवार्ड में एक और खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम मौलाना साजिद रशीदी है, मैं इमाम एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। इस प्रोग्राम के लिए बहुत पहले मेरे पास फ़ोन आया था और मैं इनकी एक्टिविटीज़ को देखता रहता हूँ। काफ़ी लोगों को जो फील्ड में काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको ये लोग सम्मानित करते हैं। तो मुझे भी इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है, मुझे भी इन्होंने सम्मान किया भारत रत्न से। मैं इनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये फेस ग्रुप जितने भी इस तरह के लोग हैं जो अपने फील्ड में काम करते हैं उनको सम्मानित करने का मुस्तकिल काम करते रहें, क्योंकि इससे एक ऊर्जा आती है, आदमी का काम करने का हौसला बढ़ता है। आज के युवाओं को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देशवासियों को तो सबसे बड़ा संदेश ये है कि सरकार और सरकारों की बातों को न सुने, आपस में भाईचारा प्यार मोहब्बत उसको बांटते रहें, बढ़ाते रहें और जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें बिना भेदभाव के। ये ना सोचें कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सारी चीज़ें सरकारी हैं, समाज में ये चीज़ें नहीं चलती हैं, समाज को चाहिए हम एकजुट होकर। और मुझे बहुत खुशी हुई है ये वाले प्रोग्राम में, मैं पहले भी कई बार आ चुकी हूँ और मुझे मुझे मुश्ताक़ अंसारी साहब ने कई बार अवार्ड से नवाजा है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि जब भी कोई अच्छा प्रोग्राम होता है वो मुझे बुलाते हैं, याद करते हैं, मेरी शायरी से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का पैगाम देती हूँ। पहले तो अपना परिचय बताइए और कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि तीसरा एनुअल अवार्ड है, फेस भारत रत्न, इतनी खुशियाँ, इतना खूबसूरत फंक्शन, कैसा महसूस करें? यस, यार रियली फीलिंग वेरी प्लीजेंट, वंडरफुल, enjoying and it is very wonderful program organized by the face. My introduction is I am advocate by profession Dr. Nitiyanand Singh, practicing at Honorable Supreme Court of India, and I am also a social activist, contested election of MLA in Delhi itself. So really feeling very good, wonderful program organized by the face. तो हमारे साथ मौजूद है हरियाणवी सॉन्ग में परफॉर्म करती भव्या गौतम। आपने सुना ही होगा राजीव बोल जा कितना ज्यादा फेमस हुआ था, ऐसी कोई शादी नहीं है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें गाना न बजता हो। कैसा महसूस हो रहा है भव्या यहाँ? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतने प्यार से मेरा नाम पुकारा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया। और सभी लोग जानते होंगे भव्या गौतम, राजीव बोल जा ऑफकोर्स बहुत फेमस सॉन्ग है, तो 400+ मिलियन हो चुका है वो। बहुत सारा प्यार मिला है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से। कैसा महसूस करती है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आने के बाद? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं अभी भी वही जमीन से जुड़ी हुई हूँ अभी भी, और मैं ऐसा ही रहना चाहती हूँ। हमारे साथ मौजूद है शिवानी शर्मा, जो कि एक्ट्रेस है, मॉडल भी है और बहुत ही कम उम्र में ये मुकाम उन्होंने हासिल किया है। बेसिकली झारखंड से हैं और अब यहाँ दिल्ली NCR में मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है, इस खास प्रोग्राम में मौजूद है। कैसा महसूस करिए शिवानी? अभी राइट ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट भी देख करके ऐसा सच में लग रहा है कि बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन है। अवार्ड भी मिला आपको, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील होता है। फेस भारत रत्न अवार्ड लेना ये एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्हें उनकी उपलब्धि के लिए अवार्ड से नवाजा गया है, कुछ ऐसे ही आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो चलिए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं और बता देते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। पहले तो अपने बारे में बताइए। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक खंडेलवाल और आज मैं फेस ग्रुप भारत रत्न अवार्ड में आया हूँ। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा डॉक्टर मुश्ताक़ अंसारी जी का और उनकी फेसबुक की पूरी टीम का। मैं पिछले 7-8 सालों से फेसबुक से जुड़ा हुआ हूँ और एज ए सिंगर मैं प्रोफेशनल सिंगर वर्क करता हूँ। नमस्कार, मैं राधिका शर्मा। थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट के लिए। रियाज इस हमारे लिए तो हर चीज़ रियाज ही है। जितना मेहनत करे, जितने हमारे पेरेंट्स की, हमारे गार्डियंस की ब्लेसिंग्स रहे। मेरा नाम हर्ष है। थैंक यू। मेरे को बहुत अच्छा नाम सुनाई नहीं दिया। मेरा नाम हर्ष चौहान। मैं पहले यहाँ पे भाई के साथ में देखने आता था, आज मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम गाया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। प्यार मिला ऑडियंस का? हाँ जी, बहुत मिला। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस और बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिभाएं यहाँ देखने के लिए मिली है। वाकई फेस भारत रत्न अवार्ड 2023 थर्ड एनुअल फंक्शन और एक अलग ही जो यहाँ पर खुशियाँ हैं, जो यहाँ पर उत्साह है वो नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के, हर जात के लोग आते हैं, भाईचारा बखूबी नजर आता है। ऐसे ही फंक्शंस, ऐसे अवार्ड्स होने चाहिए ताकि युवाओं को सपोर्ट मिल सके और युवा अपनी कलाकारी या अपनी प्रतिस्पर्धा आगे यूं ही बढ़ाते रहे। तो हमारे साथ बने रहिए और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देखते रहिए। शुक्रिया।